पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत एक कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्म परायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धावनत है, विनयावनत है श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है, वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो राष्ट्र कल्याण की कामना मन में होती है, विश्व कल्याण की कामना मन में होती है, और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेही सशक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत्, श्रुतम चैव यत्कण्टकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहां आकर बलवती होती है, राष्ट्र निर्माण की कामना यहां पर और ज्यादा गाढ़ी होती है। संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो यहां पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है। नई ऊर्जा से ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री यहां से अभिभूत होकर राष्ट्र निर्माण में अहर्निश प्राण प्रण से जुट जाते हैं। और इसी क्रम में आज छठी बार पहुंचे हैं श्री केदारनाथ धाम। भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर अपने उस संकल्प की सिद्धि का भी प्रमाण, साक्षात प्रमाण दिया है। जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा था उसे करने के लिए, जो राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकारों द्वारा नहीं माना गया, लेकिन बाबा को ये शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का, पुनर्विस्तार का, पुनर्निर्माण का, रूपांतरण का, कायांतरण का मौका मिलेगा। और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुंचकर। छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पहुंचकर वो भावना भी बलवती होती है जिसमें हम कहते हैं कि समुत्कर्ष निःश्रेयस्यैष मुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदंतः स्फुरक्षत्वयाष्ठेयनिष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रानिशम। हे प्रभु, उस वीरव्रती भावना हम में स्फूर्ति होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है, और साथ ही साथ जो तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरण को सदैव जगाती रहे। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहां आकर और प्रगाढ़ होती है, वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहां आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है, और ज्यादा प्राणप्रण से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बलवती करती है। अगर साल 2013 की बात करें जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण की बात कही, उसमें तकरीबन अगर आंकड़ों की बात करें तो 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, 4200 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया था, 991 अलग अलग जगहों पर लोगों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृत्यु हुई थी, 11000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामो निशान मिट गए थे, 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे, और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाण का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था, जलप्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी तो तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और 8 साल में छठवीं बार वो केदारनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और जो दूरी है इस रोपवे के जरिए काफी कम हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बाबा के दर्शन किए। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वो 3,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। और सबसे अहम बात यह कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल में वो छठवीं बार यहाँ केदारनाथ पहुंचे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को प्रणाम करने के बाद, केदारनाथ धाम को प्रणाम करने के बाद एक बार फिर रुक चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, यहाँ की स्मृतियों को वो हमेशा याद करते हैं, यहाँ जो वो पहले भी लगातार आते रहे हैं, यहाँ पहले लोगों से जानकारी ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उनको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त वो तमाम कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं, क्या कुछ कहा गया था बनाने के लिए, क्या कुछ कहा गया था उस वक्त तैयार करने के लिए और उन तमाम प्रोजेक्ट से अब तक क्या कुछ पूरा हो पाया है, इन सभी चीजों की जानकारी लेते हुए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी देते हुए कि क्या कुछ तैयार किया जा चुका है यहाँ पे अब तक। प्रधानमंत्री जी इस वक्त मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यपाल उत्तराखंड के साथ इस वक्त पूजा अर्चना करने के बाद वापस अब जा रहे हैं। और अब उनका जो अगला कार्यक्रम है वो अब जा रहे हैं शंकराचार्य की जो समाधि है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि की तरफ इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ का उनका कार्यक्रम 2.5 घंटे के आसपास का पूरा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के अगले चरण में अब प्रधानमंत्री जी पूजा अर्चना संपन्न करने के बाद बढ़ रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ। एक दूसरे कैमरे के फ्रेम से हम आपको प्रधानमंत्री की हर एक मूवमेंट, जैसे वो जा रहे हैं, जिस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, जहां वो जा चीजों को देख रहे हैं। देखिए जो तमाम चीजों, तमाम मूर्तियों का यहां पर 2013 की त्रासदी के बाद, जो त्रासदी हुई थी उसके बाद जो भी, और अब देखिए यहाँ के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास, और अब शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है जिस सबसे बड़े पीएम के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, जो आज वो देश के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है सोन प्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच केबल कार प्रोजेक्ट का, और उसका इस वक्त प्रधानमंत्री ने उसका आज शिलान्यास किया है। और आज के बाद से एक टारगेट समय में उस केबल कार प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तमाम वो मूर्तियां जो वहां रखी गई हैं त्रासदी के बाद, जो एक मंदिर, छोटा मंदिर जो मुख्य केदारनाथ मंदिर के ठीक बगल में एक छोटा सा मंदिर था, जिसको पांडवों ने उस मंदिर को भी निर्माण किया था, वो मंदिर उस त्रासदी में बह गया था, नष्ट हो गया था, और उसके तबाह होने के बाद उस मंदिर को दोबारा निर्माण उसका कर लिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मंदिर का अवलोकन करते हुए इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सृजन करना आसान नहीं होता, सृजन का दर्द बहुत बड़ा होता है, और जैसे धीरे धीरे आप चीजें तैयार करते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसमें कष्ट होता है, उसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। त्रासदी के बाद केदारनाथ जिस रूप में पहुंच गया था, वापस केदारनाथ धाम को वापस उस रूप से या उससे भी ज्यादा भव्यतम रूप में लाने का एक बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और इस वक्त आपको पीछे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपको फ्रेम में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर के ठीक पीछे बनाए गए शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की तरफ बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस शंकराचार्य समाधि को भी नुकसान पहुंचा था, उस त्रासदी में शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, और
भारतीय वायुसेना के स्पेशल चिनूक हेलीकॉप्टर से वो मूर्ति दोबारा जो तैयार की गई मूर्ति थी ग्रेनाइट पत्थरों की उसको यहाँ लाया गया था और इस पूरी मूर्ति को स्थापित किया गया था पीछे मंदिर के ठीक पीछे उस तपोस्थल पे जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तप किया था। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी उस आदि गुरु शंकराचार्य जी की उस मूर्ति के समक्ष पहुंच रहे हैं, वहां वो कुछ देर ध्यान करेंगे। वहां ये प्रोजेक्ट काफी दिनों से चल रहा था और अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, जिस प्रोजेक्ट के तहत आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना और उसके आसपास के सारे सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। और अब उसके अवलोकन के लिए प्रधानमंत्री जी इस वक्त पहुंच चुके हैं श्री आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के ठीक सामने। हम आपको बता दें ये पूरा केदारनाथ का जो प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उत्तराखंड सरकार के ऑफिसर्स की एक टीम के साथ एक तालमेल के साथ इसको दोबारा खड़ा करने का एक पूरा प्रोजेक्ट डेडलाइन के साथ पूरा किया गया, डेडलाइन के साथ उसको कंप्लीट किया गया। और यही वजह है कि उस त्रासदी के बाद आज केदारनाथ धाम उससे भी ज्यादा भव्यतम रूप में नजर आता है हम सबको, और उसका एक उस ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाता है जिसने सीधा कोऑर्डिनेट करके इन तमाम प्रोजेक्ट्स को के सीधे कोऑर्डिनेशन को उसके अपडेट्स लेके उसकी मॉनिटरिंग करके कब कौन सा प्रोजेक्ट पूरा होना है, कौन से हिस्से का काम कब कंप्लीट होना है, इन सारी चीज़ों की अपडेट प्रधानमंत्री जी तक पहुँचती थी और वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते थे, टीमों से ये जानकारी लेते रहते थे कि कहाँ तक काम पहुँच गया है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ यही वजह है कि लगातार उस फॉलोअप्स के बाद उत्तराखंड में क्रासदी की उस हृदय विदारक घटना के बाद आज केदारनाथ धाम को दोबारा उससे पहले से भी ज्यादा भव्यतम रूप में खड़ा कर दिया गया है। ये जो सारे विकास कार्य किए गए चाहे केदारनाथ धाम के आसपास तमाम जो होटल्स थे, लॉजेस थे, गेस्ट हाउसेस थे, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं थी, लोगों के वहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं थी, उन तमाम चीज़ों के बर्बाद हो जाने के बाद उस त्रासदी में उन तमाम चीज़ों के नष्ट हो जाने के बाद अब दोबारा केदारनाथ को खड़ा किया जा चुका है। बहुत सारा कार्य अभी भी हो रहा है, बहुत सारे कार्य अभी बचे हैं जिसको पूरा किया जा रहा है, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ इस वक्त जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट की बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं और वो प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक केबल कार प्रोजेक्ट, जिसके बन जाने के बाद यात्री 7 घंटे की यात्रा 25 मिनट में पूरी करेंगे। और आज उसके शिलान्यास के साथ ही देश के लोगों को यहां से ये जानकारी हम देना चाहते हैं कि आज उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो गया है, एक निश्चित डेडलाइन के बाद वो केबल कार प्रोजेक्ट पूरा होगा और आप सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी से पहुंचने के बाद उस केबल कार से सीधा उस केबल कार में सवार होके सीधा आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और आपको समय लगेगा मात्र 25 मिनट, यानी आपके 7 से 8 घंटे का जो पूरा ट्रैक है अब वो समय घटके 25 मिनट हो जाएगा आपसे कुछ सालों बाद। और ये आज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आज उत्तराखंड से देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को समर्पित कर रहे हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूजा अर्चना की है, केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के सामने। तो जब तक प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी की उस समाधि स्थल से उस तपो स्थल से बाहर आते हैं, हम जरा एक बार आपको दोबारा से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम के आसपास की तस्वीर। सूर्य की किरणें कल के खराब मौसम के बाद आज शानदार सुबह और भव्य सूर्योदय के साथ आज हम सब यहां मौजूद हैं। इस वक्त जरा तस्वीरें देखिए मंदिर के ठीक ऊपर जो ये तमाम पर्वत श्रृंखला है जो आपको ऊपर दिख रही है उसमें ताजी गिरी बर्फ के बीच में सूर्य की किरणें जब उन पे पड़ती एक चांदी की श्रृंखला, ऐसा लगता है एक
चांदी की श्रृंखला के बीच ये भव्य मंदिर इस वक्त विराजमान नजर आता है और उसमें प्रधानमंत्री का छठवीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ इस बार पहुंचे हैं। और जैसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से लगाओ, प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ धाम से लगाओ, प्रधानमंत्री जी का बद्रीनाथ धाम से लगाओ, ये आज का नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो राजनेता नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं आए थे, उससे पहले से ही उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, केदारनाथ धाम से उनका विशेष लगाव है और इस जगह पे वो आते रहे हैं, इस जगह के विकास कार्यों को उस वक्त से देखते रहे हैं। इस वक्त के बारे में हमेशा से उनका ये मानना और सोचना है कि इस जगह को एक बहुत बड़े आध्यात्मिक पर्यटन स्थल की तरह डेवलप किया जा सकता है। और अब प्रधानमंत्री का वो ड्रीम प्रोजेक्ट धीरे धीरे पूरा हुआ, जिसमें तमाम चीजों का दोबारा से यहाँ पर निर्माण किया गया है, तमाम चीजें यहाँ पर बना ली गई हैं। त्रासदी एक ऐसा समय था जब उत्तराखंड की त्रासदी में केदारनाथ धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तमाम बिल्डिंग्स, तमाम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे वो टूट गए थे, लेकिन अब केदारनाथ धाम को उसके उस रूप से और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा भव्यतम रूप में तैयार करना आसान कार्य नहीं था। काफी सारी चुनौतियां थी उनको उसको दोबारा से इस रूप में लाके खड़ा करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये संभव किया देश के लोगों के लिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी, आप देखिए, आपको ये जानकारी देते हुए इस वक्त फ्रेम में आप फिर प्रधानमंत्री जी का ये ATV ऑल टेरेन व्हीकल कहते हैं इसको, ये खास तौर पे प्रधानमंत्री जब प्रधान पहाड़ी इलाकों में होते हैं, टफ टेरेन्स वाले इलाकों में होते हैं, उस जगह पे इस कार को ले जाया जाता है और ये गाड़ी वहां इस्तेमाल होती है, इसको ATV कहते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल। इस वक्त दो ऑल टेरेन व्हीकल में, अगले वाले ऑल टेरेन व्हीकल में प्रधानमंत्री जी सवार हैं और अब वो वहां से शंकराचार्य जी की तपोस्थल से उसका अवलोकन करने के बाद, वहां ध्यान करने के बाद, इस वक्त प्रधानमंत्री जी का जो ऑल टेरेन व्हीकल है अब इस वक्त दोबारा मंदिर के ठीक सामने, मंदिर के ठीक नीचे की तरफ से अब उस प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए जा रही है। आप ठीक बाएं, अब ये अगर आप देखेंगे, ये जो तमाम बिल्डिंग्स यहाँ बनाई गई हैं, तमाम जो नए भवनों का निर्माण किया गया है, अब प्रधानमंत्री जी उन तमाम बिल्डिंग्स का, उन तमाम भवनों का जो निर्माण किया गया है उसके अवलोकन के लिए जा रहे हैं। वो ये देखने जा रहे हैं कितना कार्य पूरा किया जा चुका है और कितना कार्य पूरा किया जाना अभी बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ धाम का यह ड्रीम प्रोजेक्ट और इसमें जितनी चीजें प्लान हुई, ड्राफ्ट में एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया था उस त्रासदी के बाद, और उस मास्टर प्लान में केदारनाथ धाम को त्रासदी के बाद किस तरह से दोबारा डेवलप किया जाना है, किस तरीके से दोबारा उसको खड़ा किया जाना है, ये सब कुछ तय किया गया था। और अब उसकी जमीनी धरातल पे तकरीबन 80% काम पूरा किया जा चुका है। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी ठीक मेरे दाहिनी तरफ, इस वक्त ठीक हमारी दाहिनी तरफ प्रधानमंत्री जी उन कार्यों का अवलोकन करते हुए, उन तमाम बिल्डिंग्स जिनका निर्माण किया जा चुका है उनको देखने के लिए प्रधानमंत्री जी इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। 2.5 घंटे के कार्यक्रम के दूसरे चरण में इस वक्त प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के पहले चरण में केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। सबसे पहले विशेष पूजा अर्चना, उसके बाद यहाँ आके जो उत्तराखंड की जनता यहाँ बैठी हुई थी उनका अभिवादन स्वीकार किया, कैमरे फ्रेम के ठीक सामने थे, यहाँ से जाने के बाद तीसरा उनका जो इस कार्यक्रम का तीसरा जो पड़ाव था उनका, वो था आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल, तपोस्थल, जहाँ वो पहुंचे, उस जगह का उन्होंने अवलोकन किया, वहाँ ध्यान किया और उसके बाद उनकी ऑल टेरेन व्हीकल उनको लेके इस वक्त पहुंच चुकी है। हम लोगों के का जो ये स्टैंड है, कैमरा स्टैंड है, इससे ठीक दाहिनी तरफ जहाँ नए भवनों का निर्माण किया गया है, दो नए ब्रिजेस बनाए गए हैं, दो नए पुल बनाए गए हैं पहाड़ी नदियों के ऊपर लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए, उसका जो निर्माण किया गया है उसको प्रधानमंत्री जी देखने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं उस जगह, और उस जगह का प्रधानमंत्री अब ही। तो केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बद्रीनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी बद्रीनाथ धाम में श्री नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के बद्रीनाथ दौरे को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बद्रीनाथ धाम का आगमन है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है और आसपास का जो क्षेत्र है वहां भी अब व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह से कोई परेशानी श्रद्धालुओं को भी ना हो। भारी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11:30 बजे पहुँचेंगे तो सबसे पहले मंदिर पहुँच कर वो यहाँ पर दर्शन करेंगे और इसके बाद में उनके पूजा पाठ करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तकरीबन आधे घंटे तक इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम के इस मंदिर परिसर में रहेंगे और पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ की जो व्यवस्था थी, जो तैयारियां थी, वो चल रही थी और अब पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उनका काफिला पहुंचेगा और जिस तरह से पूरा एक प्लान है कि इस बद्रीनाथ धाम का विकास करने का, उसको लेकर के आज वो यहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भले ही यहाँ जो तैयारियाँ की गई हैं अब, लेकिन जो श्रद्धालु पहुँचे, जो स्थानीय लोग हैं, उसमें बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, बद्रीनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और देश विदेश के जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किस तरह से वो उत्साहित हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग बेंगलोर से आए हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और देश की तरफ से उनकी प्रार्थना यहाँ रहेगी और उन लोग प्रधानमंत्री जी को हमारी भरपूर शुभकामनाएं। तो मंदिर आने वाले वर्षों में बहुत भव्य और दिव्य तरीके से नजर आएगा, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी लीडरशिप के अंदर में ये मंदिर का बहुत भविष्य अच्छा होना चाहिए और देश के सब जनता को शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा है। पहले बद्रीनाथ का अच्छा दर्शन हुआ, बाद में मोदी जी आने के लिए वो न्यूज़ सुना हम लोग, वो भी मेरे को अच्छा लग रहा है। वो देश के लिए बहुत त्याग कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हमारे तरफ से शुभकामना देना गया उनको। अच्छा, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी को शुभकामना है। आप क्या कह रही हैं? मोदी जी की जय। मोदी जी की जय। आप जी की जय, अच्छे से काम कर रहे हैं। कहाँ से आए सर? प्रयागराज से। तो कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कहाँ से आए सर? कर्नाटक से सर, आसन कर्नाटक से। प्रधानमंत्री जी आ रहा है, बहुत खुश है, दर्शन भी हो गया, बहुत ठंडी है। हम कल रात सब जर्नी करके आए दर्शन के लिए, बहुत धन्य है। हम प्रधानमंत्री आ जाए, अभी हम ही आया है, बहुत धन्य है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत अब काम किया जाएगा, पुनर्निर्माण होगा, उसको लेकर के तैयारी हो चुकी है और आपको ये दिखाते हैं कि जो मंदिर परिसर है उसके बाहर जो यहाँ की नदी है अलकनंदा नदी, वो किस तरह से अब भविष्य में नजर आएगी, उसकी आपको एक तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी। ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत नदी के आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और मास्टर प्लान फॉर द स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल स्टेशन, हिल टाउन्स के लिए ये विकसित की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट का पूरा एक खाका तैयार किया गया है 2023 तक का, वो इसी तरह से है और वो रिवर फ्रंट का जो पार्ट है, जो वो क्षेत्र है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि मास्टर प्लान के तहत इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, अलग अलग इसमें घाट बनाए जाएंगे और साथ में सीढ़ियाँ होंगी और श्रद्धालुओं को आने जाने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस तरह से इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और एक इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसी तरह से नदी का जो बहाव है वो चलता रहता है और इस के दौरान जब यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे तो आने वाले 1.5 से 2 साल में पूरी तरह से मास्टर प्लान के तहत यहाँ ये मंदिर परिसर पूरा दिव्य और भव्य तरह से नजर आएगा। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, बद्रीनाथ।